जय श्री राम। मैं हूं अभी अयोध्या में, और अयोध्या में आना एक बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं अयोध्या जाऊं। यही जो धुन आप सुन रहे हो सीताराम का, ये यहाँ पे हमेशा चलता रहता है। आई डोंट नो ये सुनाई दे रहा हूँ आपको कि नहीं। अभी मुझे आए हुए ऑलमोस्ट एक दो दिन हुए, बट मैं ऐसा माहौल देख रहा हूँ कि ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे कार सेवक आए हुए हैं यहाँ पे, एंड एक अलग ही वाइब है। आई मीन जैसा हम दिवाली या फिर दशहरा कोई फेस्टिवल पे खुश होते हैं, उसी तरह मैं यहाँ के लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी देख रहा हूँ। मतलब आप शॉपकीपर से लेके जो यहाँ पे जितने भी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर जो यहाँ के रहने वाले हैं, इस सब के चेहरे पे इतनी खुशी है। वो सब देख के मुझे, मतलब उनकी खुशी देख के मैं खुश हो जा रहा हूँ। बहुत हैपनिंग सी जगह लग रही है, एंड बहुत टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है एक बिना कोई फेस्टिवल के। आई मीन कोई डेट नहीं है फेस्टिवल का, जो आने वाली है वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं होगा अयोध्या के लिए। नॉट अयोध्या के लिए, बट पूरे दुनिया के लिए। जो अयोध्या से बाहर है शायद वो इस चीज़ को इतना फील ना कर सके जो यहाँ पे आके फील हो रहा है मुझे। मतलब जब आप इंटरेक्ट करते हो लोगों से और उनके बारे में पूछते हो, जानते हो, राम मंदिर के बारे में जानते हो, तो उनका जो बताने का जो एक्साइटमेंट लेवल रहता है इतना ज़्यादा पावरफुल लगता है। लोगों में इतना एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, उस वाइब को आप दूर से मैच नहीं कर पाओगे सिर्फ देख के। जो भाव है यहाँ के लोगों में अभी, वो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मतलब एक नेक्स्ट लेवल है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, मुझे मौका मिला और मैं अयोध्या सही टाइम पे आया, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन है सिक्योरिटी को लेके। काफ़ी लोग यहाँ पे, बड़े अधिकारी सब आने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी बहुत टाइट है, एंड होनी भी चाहिए। पूरी दुनिया की नज़र है हमारे ऊपर अभी इस मंदिर को लेके। लता मंगेशकर चौक के पास, यहीं पे ये सूर्य स्तंभ भी बनाया गया है। ये रोड जो है वो काफी वाइड है, एंड थोड़ी सी दूरी पे, मतलब कि लता मंगेशकर चौक से थोड़ी सी दूरी पे सरयू नदी है। बहुत सारी मीडिया आई हुई है यहाँ पे, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे लोग आए हुए हैं अलग अलग स्टेट से, सबसे बात करके और मिलके बहुत बहुत ही मजा आ रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत ही यूनिक लोग है, मतलब कि कोई पैदल चल के आ रहा है हजारों किलोमीटर से, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहा है। आई मीन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, एक साथ इतने सारे लोग और वो सब यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ देखना अपने आप में एक बहुत बहुत ही मज़ेदार अनुभव है, मैं बोलूँगा। ये 300 किलोमीटर दूरी से हमको हो गया है 2 महीने 5 दिन चलते परिक्रमा करते हुए, पैदल चले। हमको खुशी बहुत है, तभी तो आए हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ पिता को कितनी खुशी होती है, तो हम तो बच्चे बन के आए, अपनी नगरी में आए हैं। ये सरयू नदी है, और ये उसके बगल में जो है ये घाटे बनी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा घाट है ये। लोगों की चहल पहल घाटों पे सुबह या शाम में नहीं होती है, मेरे ख्याल से थ्रू आउट ही रहती है। आई थिंक जहाँ तक मैं अभी देख पा रहा हूँ, लोग
बहुत सारे लोग जो है वो आ जा रहे हैं। एंड जो मौसम है अभी का वो बहुत ही औसम है। और अगर आप घाट के किनारे बैठे हो और थोड़ी ठंडी हवा और बिल्कुल भी धूप ना हो तो बहुत मज़ा आता है। काफ़ी अच्छा टाइम इसे यहाँ पे स्पेंड करने का मन करता है। यह है दशरथ महल जहाँ श्री राम भगवान का जन्म हुआ था। इस महल का जो मेन एंट्रेंस है वो बहुत ही कलरफुल बनाया गया है और इसके परिसर में श्री राम लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति स्थापित की गई है। अयोध्या का एक ऐसा अस्तित्व जिसने युग बदलते देखा। श्री राम भगवान के त्रेता युग से लेकर श्री कृष्ण भगवान के द्वापर युग तक और आज के कलयुग में भी ये अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कनक भवन की। ऐसा माना गया है कि जब सीता जी विवाह करके अयोध्या आई थी तो उनको ये महल गिफ्ट में दिया गया था जो कि उस टाइम सोने का बना हुआ था और हमारे राम भगवान और सीता माता यहाँ पे साथ में रहा करते थे। कौशल्या ने कहीं मुँह दिखाई में दिया था इसी जो कनक भवन सोने का था पहले। फिर हमारे टीकमगढ़ के राजा ने बेगबान किशोरी ने इसको फिर से निर्माण कराया था। इसलिए तीन जोड़ी राम की है, तीन जोड़ी सीताई राम को मंदिर है। जो ये महल केकई को सपने में आया था तो उनने राजा को बताया तो राजा ने तो जो महल बनवाया था और इसका द्वारा जीर्ण द्वार टीकमगढ़ नरेश राजा ने बेगबान किशोरी ने जो इसका निर्माण कराया था और वहीं के टीकमगढ़ के यहाँ पर पुजारी हैं। जितने पुजारी हैं ये सब टीकमगढ़ जिला के हैं। मैं अभी आया था रामलला दर्शन के लिए और जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हो अभी हमारे रामलला जो है यहीं विराजमान है। बहुत जल्दी वो अपने नए राजमहल में चले जाएंगे और उनका जो नया राजमहल है वो बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस ये मंदिर आप देख रहे हो ना, ये मंदिर और ये जो अभी का ये जो धनुष है इन दोनों के बीच में एक कॉरिडोर है और जिस कॉरिडोर की मैं बात कर रहा था वो यही कॉरिडोर है। पीछे साइड में जो है वो पुराना वाला मतलब अभी का जो मंदिर है रामलला का वो है और साइड में ही वो कॉरिडोर है जहाँ जो हमें नए वाले मंदिर की तरफ ले जाती है। ये साइड में है कॉरिडोर, ये जाती है मेन गेट की तरफ जहाँ से एंट्री होगी और वो लिंक है मेन रोड से। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे रामलला का पुराना मंदिर है ये एक्चुअली एक बीच से कट है जो कि हनुमानगढ़ी की तरफ ही जाता है। जो नए वाले मंदिर है उसका जो मेन गेट है रोड पे, वहाँ से आप देखोगे तो वहाँ से एक कंप्लीट सर्किल होके वापस वो यहीं पे आके मिलती है। तो क्राउड को अवॉइड करने का बहुत ही अच्छा सिस्टम बना दिया गया है यहाँ पे और जो कॉरिडोर भी है वो काफ़ी वाइड कॉरिडोर है। तो फ्यूचर में भी यहाँ पे उतना ज़्यादा अगर रश हुआ तो उसको डाइवर्ट करना या फिर मैनेज करना काफ़ी आसान होगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है बट साथ में यहाँ पे जो सजावट वाली चीज़ें हैं वो भी उतनी ही जोरों शोरों पे चल रही है। मतलब एक तरफ टीम जो है वो सजाने में लगी हुई है और दूसरी तरफ जो टीम है वो कंस्ट्रक्शन में सफाई में लगी पड़ी है। बहुत एनर्जी के साथ लगे हुए हैं लोग। अभी भी बहुत सुंदर बना हुआ है अयोध्या और लेकिन जब कम्प्लीट होगा तो और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और सलारपुर के पास घेर लिए गए, 9 आदमी अंदर हो गए थे, मुस्लिम ने अंदर कर लिया। उसके बाद हम लोग भागते भागते रौनाही थाने गए, वहाँ से हम लोगों को नैनी जेल भेज दिया गया और नैनी जेल से हम लोग कल्याण सिंह के साथ वहाँ थे और 1.5 महीना बाद छूटे। आ
आज हमें बड़ा सुख का दिन है कि राम जन्मभूमि बन रही है। जय ने कल शाम के सरयू माता आरती के बाद लेट नाइट तक मैं घाट पे ही रुक गया था। आज इवनिंग में मेरी फ्लाइट भी है रिटर्निंग की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं एयरपोर्ट पहुंच पाता हूँ या नहीं, एक चैलेंजिंग टास्क है ये आज के दिन। एंड होप फॉर द बेस्ट। जय श्री राम। प्राइवेट व्हीकल भी नहीं चल रही है, जिनके पास पास है सिर्फ वही आ जा सकते हैं। और एयरपोर्ट से लेके जो रामलला का जो मंदिर है वहाँ तक की जो जितने भी मेन रोड हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। बहुत टाइट सिक्योरिटी मैनेज करना बहुत मुश्किल था, एयरपोर्ट पहुँचना बहुत मुश्किल था, बट फाइनली आई बिलीव कि इस ट्रिप का तो अयोध्या ट्रिप का एंड हो रहा है। बट बहुत जल्द अयोध्या हम पूरी फैमिली के साथ आएंगे और पूरी फैमिली रामलला के मंदिर में जो अभी नए वाले मंदिर है उसमें हम दर्शन करेंगे। और बहुत खुशी है आज के दिन की और मैं इस ब्लॉग को यही पेंट करता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो अभी। Close the window sheet and open the air vents once the aircraft doors are open. Thank you.